आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि एक बार फिर से मुझे परमेश्वर ने ये मौका दिया कि मैं आप सबके साथ परमेश्वर के वचन से कुछ बांट सकूं। और सचमुच मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने अर्पित करना है। जब हम अपने आप को परमेश्वर के सामने अर्पित कर देते हैं तो हमारा जीवन पूर्ण रीति से बदल जाता है। हम अपने जीवनों में कुछ भी अपनी सामर्थ से, अपनी ताकत से नहीं कर सकते। हमारी ताकत, हमारा बल, हमारी सामर्थ केवल वो पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु हैं। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसा कि दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय में हम पढ़ते हैं यहोशापात के बारे में, किस तरीके से उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने अर्पित कर दिया। तो अगर आज आप भी अपने आप को परमेश्वर के सामने अर्पित कर देंगे तो आपके जीवनों में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो जाएं, आपके जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाएं, परमेश्वर आपको उन सब से निकाल कर आजाद कर देंगे। आज हो सकता है हम अपने जीवन में बहुत निराशा को फील कर रहे हों। आज हो सकता है हमारे जीवन में ऐसी मुश्किलें हों जो हमें लगता है कि हम इनसे पार नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम अपने आप को परमेश्वर के सामने अर्पित कर देते हैं, अगर हम कंप्लीटली अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं, तो वो पवित्र आत्मा जी आपके लिए सब रास्तों को निकाल देते हैं। जैसा हम निर्गमन में पढ़ते हैं कि मूसा, जब मूसा के सामने वो लाल समुंदर आ गया तो उसने क्या किया, तब वो उस परमेश्वर के सामने गया। हो सकता है आज वो ही मुश्किलों का लाल समुंदर आपके सामने खड़ा हो। आज हो सकता है आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो कि आपने क्या करना है। लेकिन मेरी प्रियो, अगर आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में अर्पित कर देते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों को बदल देंगे, क्योंकि वो पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु हमेशा आपके साथ हैं। वो आपको कहते हैं कि मेरे बच्चों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपने बोझ को तुम मेरे ऊपर डाल दो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और हमारा वो परमेश्वर आज, कल और युगानुयुग एक सा है। वो आज भी आपसे बहुत प्यार करता है। आप अपने कुछ समय को निकालें और परमेश्वर के सामने आएं, अपने जीवन को परमेश्वर को दें और प्रार्थनाओं के बीच में आप बढ़ते जाएं, उपवास करें, संगति करें, प्रभु के साथ आप अपने आप को एक करें। आपके जीवन के हर प्रकार के रास्ते परमेश्वर खोल देंगे। थैंक यू। God bless you.